क्या नाम है? बिना की दास्ता सुन लो विज्ञान के। जीजा के लड़के गाड़ी पर सवार थे, बताया जा रहा कि एक लड़का गंभीर रूप से घायल होगा, एक लड़के की डेथ हो गई। अब NHI के कर्मचारियों पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। इतनी बड़ी लापरवाही की कापता, वैसे नाले के अंदर गाड़ी कैसे घुस गई ये तो बकायदा तो बिना ही बता सकता है। वैसे मामला कहीं और का नहीं, लोनी कट्टा के भिलवल चौराहे के पास का है। अब लड़के की डेथ हो गई तो ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं भैया, कहले ना जाने कैसे कौन हिसाब से गाड़ी घुस गए नाले में, हमारे समझ में आया था। वैसे नाले को बंद कर देना चाहिए था, काहे इतनी बड़ी दुर्घटना होती। क्या नाम है? विनय, विनय कुमार। क्या मामला है? ये हमारे जीजा जी के लड़के थे। हाँ। जो दहिला डेयरी से वही दुकान है, वहीं से घर जा रहे थे वापस। तभी रास्ते में जो है ये इधर ओवरटेक करके इधर से निकलती है गाड़ी आउट साइड से, क्योंकि लोग आगे जाके वहाँ क्रॉसिंग से आते नहीं है, कट यही कट से वापस आते हैं। हाँ। इधर चार भैया कोई जा रही थी। हाँ। उसका कोई हमारे पास डिटेल नहीं है। हाँ। तो ये साइड में कच्ची करके नीचे निकाल रहे थे, तो ये लापरवाही की वजह से। हाँ। इधर देख पा रहे हैं आप। हाँ हाँ। ये लापरवाही है इन हाईवे वालों की। हाँ हाँ। तो यहाँ पे इधर कच्ची में निकालते वक्त नीचे गाड़ी चली गई, तो एक लड़की की डेथ भी हो गई है, एक लड़का यही नवज्योति हॉस्पिटल में भर्ती है, यही है। अब इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई भैया, क्या बताएं, इसमें कुछ कहने वाला भी नहीं। फिलहाल प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा देखा जाएगा। लोनी कटर थाना क्षेत्र का मामला बताइए। तनिक रुक गए हो तो मोटरसाइकिल वाले, यहू कम नहीं थे, बहुत जल्दी में था। देखो दुर्घटना हो गई। अब सुबह की खबर देखते जाओ भैया, चौकी चौराहे के पास का मामला। विद्युत पोल से टकरा गई गिट्टी से लदी हुई डंपर, अब अगर रास्ता बाधित हो गया ये तो शुक्र मनाओ की बड़ी दुर्घटना टल गई भैया, वरना यहाँ तो किसी का माथा कमा फूटता। और देख लो पर पोल टूट गया, देखते विद्युत विभाग क्या कार्रवाई करता। पर सुबह थाना क्षेत्र का मामला है। फिलहाल बाराबंकी जनपद से उत्तर प्रदेश के लिए, खासतौर से सुबह क्षेत्र के लिए, लोनी कटरा के लिए वेद व्यास के साथ भैया आदर सावत। वीडियो कैसे नहीं कम लोग, दमदार खबर से मिलेंगी।